दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, यूपी पुलिस। यूपी पुलिस में हर साल किसी न किसी प्रकार से रिक्रूटमेंट होता रहता है और एसआईओं की नई खेप आती है। उन्हें सीखने समझने के लिए हर प्रकार से पुलिसिंग सिखाई जाती है और तैयार किया जाता है और धीरे धीरे उन्हें जिम्मेदारियों की तरफ आगे बढ़ा दिया जाता है। पुलिस की भर्ती में यही होता है और उसमें से कुछ लोग उभर कर सामने आते जो चौकी इंचार्ज बनते हैं, फिर उसके बाद वे एसओ बनते हैं, थाना इंचार्ज, फिर कोतवाली संभालते हैं, धीरे धीरे प्रमोशन भी पाते हैं। लेकिन जो शुरुआती दौर होता है उसी में सब कुछ समझ में आने लगता है कि किस प्रकार से जो नई खेप आई है, नई भर्ती आई है, उनमें से कौन सा व्यक्ति कितना योग्य हो, किस तरीके से काम करता हुआ नजर आता है, सीनियरों के काम को लेकर किस तरीके से बात की जाना है और उन्होंने जो प्राथमिकता के लिए काम बताया है उसको कब तक कैसे करना है, हर चीज वो शुरुआती दौर में ही समझने आने लगती है। और चाहे एसपी हो, चाहे एडिशनल हो, चाहे सीओ हो, चाहे कोतवाल लेवल की बात हो, सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास जो काम करने वाले लोग हों वो भी तरीके से एक्टिव हों, समझदार हों, ज़्यादा कुछ उन्हें समझाना ना पड़े, वह सारे में काम करें। और एसपी, एडिशनल, सीओ और सबसे बड़े कहेंगे कोतवाल, कोतवाल और सीओ के लेवल पर लोगों को वॉच किया जाता है बड़े पैमाने पर, जो एसआई होते हैं, कि यह किस व्यक्ति में किस प्रकार की योग्यता है और कैसे उस पर काम कराया जाए। हम बात कर रहे हैं ललितपुर पुलिस की। ललितपुर पुलिस में तकरीबन 7 साल से मैं लगातार वॉच कर रहा हूँ। कई नए लड़के आए, सीखे, चले गए, निकल गए। कुछ लोग लगातार 3-4 साल से हमारी नज़रों में हैं। शुरुआती फेस में जब हमने उन्हें देखा था तो बहुत सीधे साधे, ज़्यादा कुछ एक्टिवनेस नहीं थी, जिम्मेदारी से अपना काम सीख रहे थे। लेकिन आज जब वो व्यक्ति खुलकर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो अंदर से खुशी होती है और ऐसा लगता है कि जो लोग फील्ड में वो अच्छा काम करेंगे और जनहित में भी काम करेंगे, विभाग के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी वो कारगर सिद्ध होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहीं ना कहीं इकबाल बुलंद कर रहे हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। और पुलिसिंग का काम जो है वो करना ही है, लोगों की मदद करना, उनकी समस्याएं, जो भी शिकायतें आ रही उस पर समय रहते गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना, जो भी चैलेंजेस पुलिस के लिए आते हैं उसमें वो अपने चैलेंज को स्वीकार करते हुए उसका सही तरीके से अनावरण करना। चाहे एसपी हो, चाहे एडिशनल हो, चाहे सीओ हो, चाहे कोतवाल लेवल की बात हो, सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में जो युवा आते हैं, चूंकि उन्हें पद भी दिए जाते हैं, उन्हें वॉच भी किया जाता है, उन्हें जिम्मेदारी देकर भी देखा जाता है कि कौन कितना कर सकता है, ऐसे में ललितपुर पुलिस में कुछ चेहरे हमारे सामने आए। सडनली अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ललितपुर में बच्चा चोरी की घटना और चोरी की घटना किस प्रकार से बढ़ी, और नेहरू नगर में जो बच्चा चोरी हुआ और एक तनिक्स वाला जो केस हुआ, इसमें पूरी पुलिस की 7 दांव पर लग गई थी। जो एडीजी लेवल तक ये खबरें सामने पहुंची थी, एडीजी ने कहा था कि अगर आप काम नहीं कर पाए तो हटिए, फिर इस प्रकार की बातें चर्चाओं में थी। एसपी ने भी कोतवाल और उनकी टीम के लिए अल्टीमेटम दे दिया था कि आप निकल लीजिए, अगर आप नहीं कर पाए तो हट जाइए। खुद ललितपुर एसपी निखिल पाठक युवा चेहरा है, पहला चार्ज है जो मैंने सुना है, उसके हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने पूरी पुलिसिंग को काम किया अभी तक सराहनीय है। लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरी चीज कहीं कमियां है तो उसको कटाक्ष भी किया जा रहा है। मैंने खुद कटाक्ष किया है ललितपुर एसपी की कार्यप्रणाली को लेकर कई बार, लेकिन कटाक्ष होने के बाद जो सुधार होता है वो भी देखने को मिला है। ललितपुर एसपी युवा है, पहला चार्ज है, वो भी सीख रहे हैं फील्ड में और उन्होंने युवाओं को विशेष मौका दिया है, आप कहें चौकी लेवलों पर जिम्मेदारियां दी है। इसके बाद कई युवा ऐसे हैं जो विशेष जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, चाहे वो सर्विलांस में हो, चाहे आपकी साइबर सेल में हो, और चाहे आपके एसओजी में हो, कोतवाली में हो, चौकियों में हो, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में कुछ सिपाही, कुछ एसआई और जो खुलकर सामने आए हैं वो उनकी चर्चा करना अति आवश्यक है। ललितपुर पुलिस का सम्मान समारोह किया गया ललितपुर के तमाम व्यापार मंडलों द्वारा। अच्छी बात है, जब गुणवत्तापूर्ण काम होता है तो हर कोई तारीफ करता है, काम करता है। लेकिन जो न्यू के पत्थर हैं, ऐसी क्रेडिट लेने की होड़ में उनके चेहरे दूर हो जाते हैं, उनकी चर्चा तक नहीं होती है, उन्हें प्रोत्साहन तक नहीं मिलता है। ये भी इसी कार्यक्रमों के बीच में हमने देखने को मिला है। बड़े अधिकारी हमेशा टीम वर्क की बात करते हैं, चाहे एसपी हो, चाहे एडिशनल हो, चाहे सीओ हो, चाहे कोतवाल हो, लेकिन उसके बाद भी चर्चा में वो व्यक्ति जो न्यू के पत्थर कहलाते हैं, जो सीख रहे हैं, जो अपनी प्रतिभा को उभार रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं आती है। उनकी चर्चा हम अपने मंच के माध्यम से करेंगे, उनके कामों की चर्चा हम अपने मंच के माध्यम से करेंगे। बच्चा चोर
जो है वो पकड़ा गया है महिला और आज उसके लिए वैधानिक कार्रवाई उसके साथ की गई। उसके पहले जो पूरे सिंडिकेट में इन्वॉल्व थे वो भी पकड़े गए, तनिक्स भी मिल गया, पुलिस शांत है, अच्छा महसूस कर रही, जनता भी कर रही, जनता भी झूम रही थी पुलिस के अच्छे कामों को लेकर। अब इसमें विशेष चेहरे कौन थे, नेहरू नगर चौक इंचार्ज अतुल तिवारी, ब्रिलियंट माइंड, एक जैसे एक कहें खुफिया तंत्र का जो व्यक्ति काम करता है, साइबर सेल की नॉलेज उन्हें अच्छी है और खुफिया तंत्र जिस तरीके से काम करता है उस तरीके साइलेंट, ज्यादा दिखावा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, सीधा काम। और इस पूरी ड्राइव में जहां ललितपुर एसपी खुद दौड़ रहे थे सड़कों पर, ढूंढ रहे थे बच्चे की गुमशुदगी को लेकर, ऊपर से बहुत प्रेशर था, पूरी टीमें 19 टीमें लगी हुई थी, ऐसे में इस चेहरे ने, इसका नाम अतुल तिवारी है, उसने पूरे प्रेशर को झेला, चूंकि उनके ही चौकी क्षेत्र की घटना थी और पूरी गुणवत्तापूर्ण तरीके से बच्चा को बरामदगी के साथ महिला की गिरफ्तारी तक पूरा कर्तव्य अपना निभाया है हाई प्रेशर में। पहले और भी चौकियों में इन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, चाहे आपकी शहर की मंडी चौकी की बात कर लें, चाहे दयालवाड़ा चौकी की बात कर लें, सबसे अपने टर्म्स बनाए और एक पब्लिक रिलेशन क्या होता है पुलिस में वो भी बताया और काम क्या होता है वो भी बताया, चूंकि सम्मान समारोह से दूर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहे, चूंकि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे न्यायालय प्रक्रिया की और उस महिला को ढूंढने के लिए भी निकले थे जो गिरफ्तार की गई है, प्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता ही दिया है। इसके बाद उनके साथी आलोक सिंह, गजब का पब्लिक रिलेशन, गजब की ट्यूनिंग, लापरवाही में तत्काल कार्रवाई, कहीं पर भी लापरवाही दिखती है चाहे वो कितना करीब हो उस पर कार्रवाई करते हुए भी नजर आते, अपने आप को फील्ड में रहकर पब्लिक रिलेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण तरीके से अपना कर्तव्य कैसे निभाया जाए, जागरूकता के लिए कैसे काम किया जाए वो आलोक सिंह ने दिखाया है। और इस ड्राइव में अतुल तिवारी के साथ आलोक सिंह भी थे, दोनों का दिमाग चल रहा था, दोनों का ब्रिलियंट माइंड है, पुलिस लिंग के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से फिट नजर आते। तीसरे मनीष शुक्ला, हंसते मुस्कुराते, ज्यादा किसी से मतलब नहीं, अपने काम से मतलब, अधिकारियों के चहेते, अपने जितने भी सीनियर हैं उनकी बात मानना और काम करना, तनिक्स के केस में जबरदस्त प्रेशर इनके ऊपर भी था, लगातार प्रेशराइज किया जा रहा था, ऐसे प्रेशर में काम करना खुलासे हुए सब सामने हैं। तिवारी कहेंगे जो मनीष शुक्ला हैं वो भी अपने आप को सिद्ध कर गए कि हाँ वो सही है, काम कर सकते हैं। एक और नाम हमारे सामने आया था जो इस समय सिविल लाइन चौकी इंचार्ज है महेश, अच्छे व्यक्ति, पहले चौकी जो मंडी चौकी थी वो भी मिली, इसके बाद अभी भी सिविल लाइन में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, शानदार काम, लोगों के बीच में अपनी व्यवहार, जनता की जो समस्या उस पर काम, और लगातार चूंकि उनके क्षेत्र में ज्यादा लड़ाइयों की घटनाएं सामने आती हैं तो लगातार अपनी कहेंगे चौकियों पर जावा जब पॉइंट है वहां पर ड्यूटी, शानदार। अजय मंडी चौकी इंचार्ज, जखौरा में थे वहां पर भी अपना अच्छा काम किया, यहां पर भी अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे, हर प्रेशर में काम किया है। मंडी चौकी अहम चौकी है, इलाइट चौराहा, लगातार ड्यूटी करनी पड़ती, तमाम व्यापारी हैं, तमाम वीआईपी मूवमेंट है, समय पर विवेचना है, तमाम जो कानूनी प्रक्रियाओं में काम करने पड़ते हैं सब काम करके दिखाए और अच्छा खासा नॉलेज लेकर आगे बढ़े। संदीप सेंगर वर्तमान में चौकी इंचार्ज हैं बिरदा के, शानदार क्वालिटी, लगातार पहले नेहरू नगर में भी रहे हैं, मंडी चौकी में भी रहे हैं और क्या कहते हैं कि आजादपुरा की एक चौकी उसमें रहे, नई बस्ती की चौकी जो कहलाती है उसमें भी वो रहे हैं, अधिकारियों से बेहतरीन ट्यूनिंग, पूरी परिपक्वता जो नॉलेज होती है वो आ चुकी है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। एसओजी प्रभारी राहुल राठौर पहले सदर चौकी में रहे, इनकी चर्चाएं सुनी जो लखनऊ में उन्होंने कामकाज की पुरानी चर्चाएं हुई, इसके बाद चूंकि अंजनी कुमार जो यहाँ पर एसओजी प्रभारी थे बार एसओ थे, गजब का काम अंजनी कुमार का, नाम मैं कहता था काल अपराधियों का काल अंजनी कुमार, अंजनी कुमार के काफी करीबी राहुल राठौर, गजब का माइंड, एसओजी प्रभारी के लिए मैंने कई बार इनका नाम चर्चाओं में लाया, अधिकारियों से चर्चा की और वास्तविकता में
ललितपुर एसपी निखिल पाठक ने एक युवक व्यक्ति के लिए एसओजी प्रभारी बनाया। एसओजी का बड़ा टफ काम होता है, एक अंधेरे में काम करना पड़ता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और कहा जाता है कि एसओजी का फेलियर मतलब एसपी का फेलियर, एसपी की सफलता मतलब एसओजी की सफलता, ये चर्चाएं होती है। मैंने कई बार तत्कालीन एसपी के बारे में भी कहा था कि एसओजी का फेलियर हो रहा है, मतलब पुराने जो एसपी हैं उनकी, हमने उनको लेके नेगेटिव बोला था। मैं अभी भी बोला हूं कि अगर एसओजी सफल है तो एसपी सफल है, एसओजी फेलियर है तो एसपी फेलियर है। एसओजी सबसे करीब जो होती है वो एसपी के होती है, एसओजी बिल्कुल विशेष टीम है एसपी की। अब एसपी का कामकाज को अगर रेटिंग दे रहे हैं तो हम एसओजी की कामकाज को भी रेटिंग देंगे, और राहुल राठौर पूरी टीम के साथ उनकी तारीफ करने की योग्य है। बढ़िया काम किया, युवा है, बड़ी जिम्मेदारियां ये भी संभाल सकते हैं। ललितपुर शहर कोतवाल विनोद मिश्रा, गजब का पब्लिक डीलिंग, तमाम प्रेशर होने के बाद भी किसी गलत व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, कोई मासूम का कैरियर चौपट ना हो जाए, विनोद कुमार मिश्रा इसकी विशेष ध्यान देते हैं। प्यार मोहब्बत सम्मान से काम करा लेना, अपने अधीनस्थों से भी काम करा लेना, जो नहीं मानता उसको उस भाषा में समझाया भी जाता है, पुलिसिंग की जो भाषा होती है। लेकिन शानदार काम, तमाम चुनौतियां मिली, तमाम चुनौतियों में गुणवत्तापूर्ण जो काम होने चाहिए वो किए। अभी आपने तनिक्स वाले मैटर में देखा होगा किस तरीके से जैन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोला, जबकि बच्चे पर कार्रवाई की, लेकिन पुलिस अड़ी रही, तनिक्स को खोजा, उन पर कार्रवाई, उनका भविष्य बर्बाद करने की कोशिश नहीं की गई। और भी चीजें हैं, तमाम अभी प्रेशर है, चाहे पत्रकारों पर हुई गोलीकांड को लेकर हो, और भी चीजें हैं, तमाम जिम्मेदारी निभाते हुए विनोद मिश्रा ने अपने आप को सिद्ध किया है। सीनियर है, झांसी भी पहले संभाल चुके हैं, ललितपुर शहर कोतवाल बनाए गए, शानदार काम, जनता के बीच में पब्लिक रिलेशन बहुत शानदार, तो वही अधिकारियों के साथ भी शानदार ट्यूनिंग, जैसा आदेश तत्काल काम करने की कोशिश करते, मान सम्मान में कोई कमी नहीं, छोटे बड़ों को सबको सम्मान देते हैं, काफी धार्मिक हैं, और कर्तव्य जो उस कुर्सी पर बैठा के अपना निभाना चाहिए वो निभा रहे हैं, किसी के साथ गलत ना हो जाए और कोई निर्दोष फंस ना जाए, विनोद कुमार मिश्रा। इसके बाद करेंगे सतीश कुशवाहा, शानदार व्यक्तित्व, एक युवक व्यक्ति, आपने देखा होगा शहर की तमाम चौकियों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी की, चाहे सदर चौकी की बात हो, चाहे आजादपुरा की चौकी हो, और इसके बाद फिर उन्हें वासी चौकी में भी जिम्मेदारी मिली, और आजकल जो है वो मेहरौनी में है, मेहरौनी अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं। एक युवक व्यक्ति अपने आप को सिद्ध किया है, काम भी कर रहे हैं। एक कुछ लोग हैं जिनकी चर्चा की है, एक हमारे मित्र कहें, सखा कहें, या एक अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे व्यक्ति राजकुमार यादव हैं, जो इस समय पूरा कला में हैं और पूरा कला में अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं। एसओजी प्रभारी भी रहे हैं, सदर चौकी इंचार्ज भी रहे हैं, और जो कहेंगे राजघाट चौकी इंचार्ज है वहाँ पर भी वो रहे, और इस समय अपनी जो काम है, अपनी जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं पूरा कला में। शानदार व्यक्तित्व, पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी, जनता के बीच रिलेशन बहुत अच्छे हैं, अधिकारियों की बात मानते, जिस जिम्मेदारी को सौंपा जाता है वो कर, ये लोग हैं जिन्होंने प्रेशर झेला है, प्रेशर में अपने कर्तव्य को निभाया है, और आज हम सब सुरक्षित घर पर बैठे हैं, पुलिसिंग अपना काम कर रही, और भी लोग हैं, इन्हें देखकर सीखना चाहिए। हो सकता है मैंने कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाए हूं, हो सकता है मैं उनसे संपर्क में नहीं हूं, हो सकता है मैं उनके कामों को वॉच नहीं कर रहा हूं, जो भी काम कर रहे हैं मुझे भी उन कामों को देखा जाए, बताया जाए, तो मैं भी उनकी भी चर्चा करूं, वॉच करूं, लेकिन जो लोग हैं वो हैं, कुछ एक दो लड़के और हैं जैसे समय वर्तमान में जो राजघाट चौकी इंचार्ज हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज्यादा कुछ शिकायत नहीं आती है, इसलिए शिकायत के साथ साथ क्राइम की बात भी की जाती है, तो कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो भी क्राइम होता है उस पर घटना पर तत्काल पहुंचते हैं, ये भी सब चीजें हैं। कोतवाल विनोद मिश्रा शानदार अपना काम कर रहे हैं। इस समय जो तालवेट की चर्चा हो रही थी कोतवाल की, उनकी चर्चा हमने जब की तो बहुत सी चीजें आई, लेकिन हमने देखा कि व्यक्तिगत आदमी ठीक है, काम देखते हैं, काम की वॉचिंग करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पत्रकारों के साथ किसी प्रकार का तकरार ना हो, पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाता है, पुलिस अपना काम करती है, हम कुर्सी को कोट कर रहे हैं, बट व्यक्तिगत लड़ाइयां नहीं होना चाहिए, और हम आशा भी करते हैं, सबके दिल बड़े होते हैं,
आप लोगों की दिल बड़े होंगे, गुप्ता जी भी इस बात को मानते हुए पत्रकारों के जो विवाद है उसको दूर करते हुए नजर आएंगे। अच्छे व्यक्ति हैं, काम ठीक ठाक कर रहे हैं। दोस्तों इन लोगों की हमने चर्चा की है, ये वो पुलिसकर्मी है जिन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, काम किया, हर प्रेशर में काम किया है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, विभाग के लिए काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे मुंह से ज्यादा कुछ तारीफ तत्काल निकल नहीं सकती, तो आप लोग जानते भी हैं मैं अपने आप को नेचर को ऐसे बनाया हूं कि पहले आपके कामों को देखूंगा, काम के आधार पर आपकी तारीफ की जाएगी। युवाओं की बात हमने अभी की, अतुल तिवारी शानदार काम किया, आलोक सिंह शानदार काम, मनीष शुक्ला शानदार काम, एसओजी प्रभारी राहुल राठौर शानदार काम, साइबर सेल प्रभारी राजेश दुबे शानदार काम, शहर कोतवाल विनोद मिश्रा शानदार काम। ये जो चर्चाएं इस समय ललितपुर पुलिस की हो रही हैं, इन चार पांच लोगों के किरदार हैं जिनके कारण हो रही है। और ललितपुर एसपी का मॉनिटरिंग और भरोसा, युवाओं पर भरोसा और पूरा काम उन्होंने करके दिखाया। साइबर सेल की बहन भूमिका है और आपकी एसओजी की भूमिका हो गई, दोनों चौकी इंचार्ज, तीनों चौकी इंचार्जों की भूमिका हुई, शहर कोतवाल का लगातार मॉनिटरिंग, परिणाम आपके सामने है। तनिक घर पर है, बच्चा चोर करने वाली महिला पकड़ी गई और उसके साथ साथ पांच बच्चे हो गए हैं पूरे बारात की अगर तक बात करते हैं तो। ये ड्राइव हुई है और ड्राइव में जब काम अच्छा होता है तो तारीफ करने का काम भी हमारा है, गलत होगा तो कटाक्ष भी हम ही करेंगे। और आज जश्न का समय है, हम तो उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं तमाम जिम्मेदार युवाओं से जो अभी पुलिसिंग में आए हैं। अच्छा काम करिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन करिए, हम सब आप लोगों के कामों के कारण ही सुरक्षित घर पर रहते हैं। आशा भी करते हैं कि जब हमारे साथ कोई दिक्कत हो तो पुलिस ही हमारे लिए मदद करने आए। अपने कर्तव्य के साथ हमेशा मानवता को ध्यान में रखते हुए, भविष्य बहुत, आपका कैरियर बहुत बड़ा है, भविष्य में किसी प्रकार की कोई गलतियां ना हो, किसी लालच में ना पड़े और अपना काम करते जाए, हम यही आशा करते हैं। इंडियन प्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी की उज्ज्वल की कामना करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आप लोग काम करिए। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।